हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल आराध्यांश ट्यूटोरियल हब। स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इन दिस पार्ट वन यू आर गोइंग टू वॉच अबाउट डिफॉरेस्टेशन, कंसिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड व्हाई इट इज नेसेसरी टू कंजर्व आवर वाइल्ड लाइफ। सो लेट्स बिगिन। Students, first of all, you have to know about deforestation. How can we define deforestation? So we can say simply the cutting down trees for the facilitation of human activities. Human activities यानी जब मनुष्य अपने काम के लिए, अपनी जरूरतों के लिए trees को cut करता है, तो इस process को हमने क्या बोला है? Deforestation, पेड़ों को काटना, जंगलों को काटना. Okay? Causes of deforestation, हम देखें कि ऐसे कौन कौन से causes हो सकते हैं, इसे क्या क्या कारण हैं जिसके कारण जो मनुष्य है या जिस वजह से deforestation हो सकता है। सबसे पहला है इसमें procuring land for cultivation, यानी cultivation के लिए जो कृषि कार्य है, खेती करते हैं किसान लोग, तो cultivation के लिए जो land की आवश्यकता होगी उसके लिए क्या करना पड़ता है? जंगलों को काटा जाता है। इसके लिए कल्टीवेशन के लिए, तो इस वजह से भी क्या होता है, जो फॉरेस्ट है उनको साफ किया जाता है। बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, दूसरा रीजन क्या हो सकता है? फैक्ट्रीज, सपोज की देखिए फैक्ट्रीज खोलनी है तो उसके लिए भी काफी बड़े स्पेस की आवश्यकता होती है, इसके लिए फैक्ट्रीज ओपन करने के लिए भी, है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि जो रेजिडेंशियल एरियाज होता है उसके आउटसाइड जो जगह होती है वहां फैक्ट्रीज ओपन की जाती है, वहां खुली जाती है, और ऐसे इलाके ज्यादातर क्या होते हैं? फॉरेस्ट एरियाज होते हैं, तो वहां भी क्या होता है? फिर फॉरेस्ट को हो नष्ट किया जाता है। डिफॉरेस्टेशन फैक्ट्रीज ओपन करने के लिए भी हो रहा है, साथ ही साथ जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, बिल्डिंग हाउसेस के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो क्या हो रहा है, हाउसेस भी ज्यादा चाहिए, तो इस वजह से भी क्या हो रहा है, बिल्डिंग हाउसेस के लिए भी डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है। मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल, अब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, डिमांड ज्यादा होगी फर्नीचर की, तो फर्नीचर के प्रोडक्शन के लिए भी क्या चाहिए, वुड चाहिए, या इसके अलावा जो फ्यूल है एज ए फ्यूल जलाने के लिए भी क्या होता है, लकड़ी का यूज किया जाता है। नेचुरल कॉजेज सच एज फॉरेस्ट फायर्स एंड सीवर ड्रॉट, नेचुरल कॉजेज, अभी तक हमने जो बात की, हमने देखा कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं उसके कारण ही डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। इसके अलावा हम बात करें कुछ नेचुरल कॉजेज भी हैं, हालांकि बहुत नेग्लिजिबल है, बहुत लो लेवल पर है ऐसा जो होता है, नेचुरल कॉजेज हैं जिसमें फॉरेस्ट फायर है, तो ऐसा बहुत रेयर केस है जहां फॉरेस्ट फायर जो है वो नेचुरली होती है ना, अपने आप ही आग लग जाए जंगलों में, ऐसा बहुत कम होता है, देखने को मिलता है, ज्यादातर क्या होता है ह्यूमन जो फॉल्ट होते हैं उनकी वजह से ऐसा होता है। सपोज कीजिए कोई फायर कैंप के लिए जंगल में गया, वहां उसने कोई चीज जली हुई छोड़ दी, तो वो फायर उस वजह से भी फॉरेस्ट में फायर हो सकती है, या फिर सीवर ड्रॉट बहुत ज्यादा सूखा पड़ जाए उस वजह से भी पूरे जंगल के जंगल सूख जाते हैं, तो ये भी बहुत रेयर केसेस हैं, जो नेचुरल कॉजेज हैं वो क्या होते हैं, बहुत रेयर हैं, लेकिन जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं वो ज्यादा नुकसान पहुंचाती है फॉरेस्ट को। Reforestation is restocking the destroyed forest by planting new trees. अब ऐसे केसेस में क्या कर सकते हैं, अगर हम reforestation करके वापस से जंगलों को हम उगा सकते हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना होगा, प्लांटेशन करना होगा, नए ट्री लगाने होंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं recycling of paper. The paper industry is a leading cause of deforestation since they need wood pulp. आपको पता है जो पेपर होता है, इस पेपर को बनाने के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है, हमें वुड पल्प की, इस वजह से भी डिफॉरेस्टेशन किया जाता है। रिसाइकलिंग पेपर कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग द कंजप्शन ऑफ वुड पल्प बाय द पेपर इंडस्ट्री, अगर हम पेपर का रिसाइकल कर दें, है ना, रिसाइकलिंग कर दें, यानी जो पेपर यूज्ड हो चुका है अगेन उसको रीयूजेबल बना दें हम, तो उस केस में क्या हो सकता है, हम जो वुड पल्प की जो पेपर इंडस्ट्रीज को उसकी जो नीड है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि पेपर जब रिसाइकल होगा तो पुराना पेपर ही अगेन पेपर बनाने में काम आ जाएगा।
By this, we not only save trees, but also save energy and water needed for manufacturing paper. अब पेपर के मैन्युफैक्चर के लिए भी जो एनर्जी और वाटर की आवश्यकता होती है उसको भी हम सेव कर सकते हैं, किससे? रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, पेपर को रिसाइकल करके. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन. अब डिफॉरेस्टेशन से और क्या क्या इसके दुष्परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं, क्या इसके कंसिक्वेंसेस होंगे उसको भी देखते हैं हम. सबसे पहला है, डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेस द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन ऑन द अर्थ दैट विल लीड ग्लोबल वार्मिंग. डिफॉरेस्टेशन से क्या होगा, देखो जब ट्री नहीं रहेंगे, जंगल के जंगल ही खत्म हो जाएंगे, फॉरेस्ट जब नष्ट कर दिए जाएंगे, उस केस में क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा. आपको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, है ना, फोटोसिंथेसिस के लिए. और अगर जब ट्री नहीं होंगे तो क्या होगा, CO2 का जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, CO2 की जो उसका जो उसकी जो क्वांटिटी है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी. तो उस केस में क्या होगा, एक तो पॉल्यूशन बढ़ जाएगा और साथ ही साथ टेम्परेचर भी इसका इंक्रीज होता जाएगा. और इस चीज को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग. नेक्स्ट है, इट कॉजेज लैक ऑफ रेनफॉल एंड ऑल्सो रिड्यूसेस ग्राउंड वाटर लेवल, दिस कुड कॉज ड्रॉट. अब देखिए कि जब जंगल ही नहीं होंगे, आप जानते हैं कि रेनफॉल में सबसे बड़ा रोल जो है प्लांट्स का होता है, फॉरेस्ट का होता है. जो फॉरेस्ट एरियाज होते हैं वहां रेनफॉल भी काफी अच्छा होता है, इनकी वजह से ही काफी अच्छा रेनफॉल होती है. लेकिन जब प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा, रेनफॉल कम होगा, इससे क्या होगा, जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो धीरे धीरे डाउन होता जाएगा, यानी अर्थ के नीचे जो अंडर वाटर है, ग्राउंड वाटर है, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा. और इससे क्या हो जाएगा, ड्रॉट यानी सूखा पड़ने के चांसेस भी इससे हो सकते हैं. ये देखिए ड्रॉट का एक आपको इसमें फिगर दे रखा है, आप देख सकते हैं कि जो अर्थ है इसकी जो सॉइल है इस पर क्या होता है, इसकी जो अपर सरफेस है पूरे क्रैक्स इस पर आपको दिखाई दे रही है ना, ये ड्रॉट की निशानी है, ये सूखा पड़ जाता है तब. नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, इट कॉजेज चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टीज एंड रिजल्ट्स इन सॉइल इरोजन. अब देखिए जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स क्या करती हैं, सॉइल को जकड़ के रखती है, पकड़ के रखती है. अगर फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा, जो सॉइल है बिल्कुल लूज हो जाएगी, और उस केस में क्या होगा, सॉइल इरोजन बाय वाटर और बाय एयर, किसी भी सोर्सेस से सॉइल इरोजन होगा. और जो सॉइल इरोजन आपने देखा होगा, यानी जो सॉइल होती है अपनी जगह से बहकर दूर चली जाती है ना, सॉइल इरोजन शुरू हो होना शुरू हो जाता है अगर कहीं पर प्लांट्स नहीं है, कोई फॉरेस्ट नहीं है तो. नेक्स्ट इसमें, ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट्स, इट इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन. अब धीरे धीरे क्या होगा, जब प्लांट्स नहीं होंगे, सॉइल इरोजन होना शुरू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जो वहां की जो सॉइल है वो कैसी होगी, फर्टाइल नहीं रहेगी, है ना, वो फर्टाइल नहीं होगी, और धीरे धीरे वो किस में कन्वर्ट होती जाएगी, डेजर्ट में, रेगिस्तान में, वहां रेती रेत होगा. इस प्रोसेस को हमने क्या बोला है, डेजर्टिफिकेशन. ये देखिए जो पूरी सॉइल है वो कैसी हो जाएगी, बिल्कुल रेत जैसी हो जाएगी, वहां की सॉइल डेजर्ट बन जाएगा बिल्कुल, अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो. नेक्स्ट हम देखते हैं, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, क्यों नेसेसरी है फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना. सबसे पहला पॉइंट है, टू सेव आवर प्लैनेट, हमें हमारे प्लैनेट को, हमारे अर्थ को बचाना है, हमें कंजर्वेशन करना होगा. इट इज नेसेसरी टू कंजर्व द फॉरेस्ट एंड इट्स वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू मेंटेन बैलेंस इन नेचर. अब देखिए ऐसा नहीं कि हमें केवल फॉरेस्ट को बचाना है, फॉरेस्ट के साथ में जो भी वाइल्ड लाइफ है, यानी उसमें जो फॉरेस्ट में रहने वाले जो भी एनिमल्स हैं, उनको भी हमें प्रोटेक्ट करना है, उनको भी कंजर्व करना है. ये पूरा एक क्या है, इकोसिस्टम है, एक पूरा चेन है, क्योंकि अगर इस चेन के अंदर कोई भी एक इम्बैलेंस हो जाता है तो पूरा जो प्रोसेस है, इसकी जो नेचर है वो पूरी इम्बैलेंस हो जाएगी. तो इस नेचर को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है, वाइल्ड लाइफ को भी हमें कंजर्व करना होगा. टू प्रोटेक्ट आवर फ्लोरा एंड फौना एंड देयर हैबिटेट्स, प्रोटेक्टेड एरियाज
called wildlife sanctuaries, national parks and biosphere reserves have been earmarked. अब देखिए यहाँ आया वर्ड फ्लोरा एंड फौना. फ्लोरा मीन्स होती है किसी पर्टिकुलर स्पेस में जो भी प्लांट्स हैं उनको फ्लोरा कहा जाता है, और एनिमल्स के लिए हम फौना वर्ड यूज करते हैं. तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके हैबिटेट को जहां वो रहते हैं उनकी जो जगह है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया गया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं या नेशनल पार्क्स हैं या बायोस्फीयर जो रिजर्व्स हैं उनको सेट किया गया, डिफाइन किया गया, उनको कहीं ना कहीं पे उनको तैयार किया गया है कि हाँ ये जगह नेशनल पार्क है या ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं या ये बायोस्फीयर रिजर्व है जहां पर वो जो फ्लोरा एंड फौना है उस एरियाज की वो प्रोटेक्ट कर दी जाती है. फ्लोरा वर्सेस फौना में क्या डिफरेंस है, ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप उसको इजीली इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं टेबल फॉर्म में. फ्लोरा के लिए हम लिख सकते हैं द प्लांट्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड फ्लोरा. ठीक है, तो प्लांट्स के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया है, फ्लोरा, किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए. और ऐसे ही एनिमल्स की हम बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया में जो एनिमल्स हैं, द एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड फौना, उसे हम फौना कहते हैं. इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं. फ्लोरा के लिए हम एग्जाम्पल देखें जैसे कि साल, टीक, मैंगो, जामुन, अर्जुन. ठीक है, ये जो ट्रीज हैं ये फ्लोरा, ये कहाँ के हैं, ये है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व. ठीक है, जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है वहां के ये प्लांट्स हैं, यानी ये फ्लोरा ऑफ पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व. ऐसे ही पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के जो फौना है यानी जो एनिमल्स हैं उनके जो एग्जांपल्स हैं, चिंकारा, चीतल, लियोपर्ड, वाइल्ड डॉग एंड वुल्फ. ओके स्टूडेंट्स, तो ये डिफरेंस आप बता सकते हैं फ्लोरा एंड फौना. इस चैप्टर को आगे और डिटेल में हम इसके नेक्स्ट पार्ट टू में देखते हैं. तब तक के लिए देखते रहिए आराध्यांश ट्यूटोरियल हब. वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें. मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो.